मैं हूं नफीसा खान, स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में। दोस्तों, हरियाणवी डांसर सपना चौधरी जिस तरह अपने डांस से फैंस को चौंका देती हैं, ठीक उसी तरह उन्होंने अपने वेट लॉस से भी फैंस को चौंका दिया था। जी हाँ, सपना जब बिग बॉस 11 में आई थी तभी सलमान खान ने उन्हें वेट लॉस का सजेशन दिया था। इसके बाद सपना ने अपनी बॉडी ना केवल टोन्ड कर ली है बल्कि वेट लॉस ने उन्हें और भी ज़्यादा सेक्सी लुक दे दिया है। सपना चौधरी ठंडा पानी पीने की शौकीन रही हैं। हालांकि सपना ने जब से अपने वेट लॉस प्रोग्राम को शुरू किया है तब से उन्होंने ठंडे पानी को बाय बाय कह दिया है। इसके अलावा जिम में अपने वर्कआउट प्लान के साथ साथ उन्होंने अपनी डाइट में भी काफ़ी चेंजेस किए हैं। जिम के अलावा सपना का वर्कआउट ज़्यादातर डांस से ही हो जाता है, ऐसे में उन्होंने अपने डाइट पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया। सुबह की शुरुआत वो करती हैं नींबू पानी और ग्रीन टी के साथ। इसके बाद वो जिम जाती हैं। यहाँ एक घंटे हर अल्टरनेट डे पर कार्डियो एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग करती हैं। डांसिंग भी उनकी एक्सरसाइज प्लान का ही हिस्सा है। अपने कट्स को डिफाइन करने के लिए सपना ने जिम का सहारा लिया है। बात करें अगर उनके डाइट प्लान की तो सपना सुबह 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेती हैं। इसके लिए होल ग्रेन मल्टी ग्रेन ब्रेड, अंकुरित अनाज और एग वाइट के अलावा कभी पनीर और कभी टोफू लेना वो पसंद करती हैं। ब्रेकफास्ट उनका हैवी होता है, वहीं लंच में वो हरी सब्जियों को प्रायोरिटी देती हैं। वो बॉइल्ड राजमा या लेग्यूमस के साथ ग्रीन सैलेड को प्रेफर करती हैं। सपना इसके साथ ही नारियल पानी, ऑरेंज या कीनू को लेना पसंद करती हैं। फाइबर और ग्रीन वेज के साथ उनका लंच प्रोटीन बेस होता है। सुबह से शाम तक जितनी भी बार सपना को प्यास लगती है वो सिर्फ और सिर्फ गर्म या गुनगुना पानी ही लेती हैं। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, फ्रूट जूस को भी वो प्राथमिकता देती हैं। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच वो दो बार स्नैक्स लेती हैं क्योंकि वो हार्ड कार्डियो एक्सरसाइज करती हैं। ऐसे में उनकी डाइट में भुने चने, भुने बीज और नट्स शामिल होते हैं। ये उन्हें एनर्जी भी देते हैं और प्रोटीन की कमी को पूरा भी करते हैं। प्रोटीन हाई होने की वजह से उनकी टमी लंबे वक्त तक फुल रहती है। सपना डिनर में ग्रिल चिकन या बॉइल्ड चिकन लेना पसंद करती हैं और जब उनका वेज डिनर खाने का मन होता है तो वो पनीर या दाल को तवज्जो देती हैं और वो कोशिश करती हैं कि 7:30 बजे से पहले ही उनका डिनर हो जाए और डिनर में वो कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेती हैं। अल्टरनेट डे पर उनका ये डाइट प्लान चेंज भी होता है। इन सब के अलावा सपना चौधरी को योगासन भी काफ़ी पसंद है। वो सूर्य नमस्कार के अलावा वृक्षासन भी करती हैं ताकि उनकी बॉडी स्लिम ट्रिम बनी रहे और उनके बैलेंस में सुधार होता रहे। इसके अलावा योग से उनका तन और मन दोनों शांत रहता है। तो ये था सपना चौधरी का वर्कआउट और डाइट प्लान जो कि उन्होंने सलमान खान की खास सलाह पर फॉलो किया और आप नतीजा देख सकते हैं कि जब बिग बॉस के घर में सपना चौधरी थी तो कुछ और लगती थी लेकिन उनकी आज जो शख्सियत है वो कुछ और नज़र आती है। उम्मीद करते हैं सपना चौधरी के बारे में ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये जानकारी पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को और देखते रहें जीवन कोश।